हेलो फ्रेंड्स हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूं सो so, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग जल्दी से उठ जाइए और अपनी आंखों को मलते हुए एक कप चाय आप लोगों के लिए है सो so, जल्दी से थोड़ा शेयर करके सभी लोग चाय पी लीजिएगा ताकि आपकी आंखें खुल जाए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आज का दिन है कि आपको बहुत सी चीजें नई सीखनी है जिसकी शुरुआत हम लोग अभी सुबह 5:30 थर्टी एम से करने जा रहेंगे जा रहे हैं सो आपके अपने गोल तक अपनी लाइफ में आपके अपने सक्सेस तक एक कदम और आगे करने के लिए मैं सोनम आप लोगों के लिए कुछ चीजें मतलब कि इंफॉर्मेशन लेकर के आई हूं जिसको हम लोग आज शेयर करने जा रहे हैं सो so, जल्दी से शुरू करते हैं बिना अपना समय गवाए आज की क्लास हमारी हिस्टोरिक मोमेंट के ऊपर होगी मतलब कि भारत में हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट भारत में जो कि कुछ स्मारक स्थल है उनके बारे में हम लोग करेंगे जो कि अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है जैसे कि गोलघर है यह कहाँ पर है कहाँ पर है पटना में है किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे बनवाया गया था वारेन हैस्टिंग ने इसे बनाने का ऑर्डर दिया था पत्थर की मस्जिद जिसे की परवेज शाह जो कि जहांगीर का बेटा बेटा था इसने इसे बनवाया था पटना में यह बना हुआ है शेर शाह का मकबरा बहुत बार पूछा जाता है सूरी वंश का शासक रहा है शेर शाह जिसने की सूरी वंश की स्थापना की थी और हुमायूं को ठीक से शासन नहीं करने दिया था सासर राम में जो कि बिहार का सासाराम है यहाँ पर इसका मकबरा बना हुआ है मीर मोहम्मद अली वाल मीर मोहम्मद अली वाल खान ने इसको बनवाया था विष्णुपद मंदिर गया में है रानी अहिल्ला बाई के द्वारा बनवाया गया था अब दिल्ली के मोन्यूमेंट्स की बात करेंगे कुछ यहाँ पर दिल्ली के मोन्यूमेंट्स दिल्ली में बात करें फिरोज शाह कोटला फोर्ट जो बना हुआ है यह दिल्ली में बना हुआ है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था हौज खास अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा महारानी बेगा बेगम जिसे की हमीदा बानो बेगम की भी कहा जाता है दिल्ली में बनवाया गया था जामा मस्जिद दो है एक तो है आगरा में जिसके लिए कहा जाता है कि जहा आरा ने बनवाया था जो की आगरा में है

और सरस्वती सम्मान भी देते हैं इनके द्वारा इसको बनवाया गया है मोती मस्जिद एक है दिल्ली में एक है कहाँ पर एक है आपका लाल किले में दिल्ली में मोती मस्जिद एक है आगरा में ठीक है? है दिल्ली वाली किसने बनवाई है औरंगजेब ने बनवाई है दिल्ली वाली किसने बनवाई है औरंगजेब ने आगे आ जाते हैं दिल्ली के ही राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने बनाया था राष्ट्रपति भवन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनवाया गया है पुराना किला दिल्ली में है शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था कुतुब मीनार शुरुआत किसने की थी कुतुबीन ऐबक ने ने और प्रो शाह ने भी कुतुब मीनार के निर्माण पर कार्य किया है लाल किला दिल्ली में है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था शाहजहां ने मयूर सिंहासन लाल किले में ही स्थापित किया था जिसे की नादिर शाह लूट कर ले गया था साथ में कोहिनूर ही हीरे को भी ले गया था सफदरजंग मकबरा दिल्ली में है सुझाउ ने इसको बनवाया था गुजरात की बात करते हैं साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम यह फेमस हुआ जब गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा को शुरू किया था साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को ठीक है अहमदाबाद में है गांधी जी ने स्थापना की थी साबरमती नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में चरार ए शरीफ बड़गाम में है जैनुल जैनुल आबेदीन के द्वारा बनवाया गया है निशांत गार्डन आसफ अली के द्वारा बनवाया गया है ठीक है शालीमार गार्डन श्रीनगर जहां श्रीनगर में है जहांगीर के द्वारा यह भाई यहाँ पर आपका बनवाया गया है जहांगीर के द्वारा यह बनवाया गया है आगे बढ़ते हैं कर्नाटक में कर्नाटक में जो कि गोल गुंबज है गोल गुंबज है यह है आपकी गोल गुंबज है यह आदिल शाह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बना हुआ है इसे दाबुली की याकूत ने बनवाया था बीजापुर में है ठीक है महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है गुप्त शासक के समय यहाँ पर बनवाई गई थी बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है औरंगजेब ने अब उसने इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया था नेक्स्ट है पे केव्स जो कि मुंबई में फोर्ट मुंबई में है बौद्धों के द्वारा बनवाया गया था उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर सूर्य मंदिर लिंगराज मंदिर लिंगराज मंदिर और राज रानी मंदिर राज रानी मंदिर कहा पर है यह है आपके उड़ीसा में ठीक है यहाँ पे जगन्नाथपुरी मंदिर अनंत वर्मन के द्वारा और सूर्य मंदिर नरसिंह देव के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था पंजाब पंजाब में है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है गुरु रामदास के द्वारा बनवाया गया था इसे हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है हरमिंदर साहिब भी इसको भी कहा जाता है याद रखेंगे राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुब्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था भरतपुर का किला राजस्थान में है भरतपुर राजा सूरजमल के द्वारा भाई यहां पर बनवाया गया था राजा सूरजमल के द्वारा यह बनवाया गया था ठीक है आगे बढ़ेंगे आगे आ जाता है यहाँ पे आगे आ जाता है अजमेर शरीफ दरगाह जिसे कि शरीफ दरगाह भी कहा जाता है या दरगाह शरीफ भी कहा जाता है अजमेर में है सुल्तान यासुद्दीन ने इसको बनवाया था और यह है यह आपकी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है चले दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर बना हुआ है अरावली श्रेणी की छोटी माउंट आबू पर सिद्ध राज ने इसको बनवाया है हवा महल जयपुर में और महाराजा प्रताप सिंह महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो कि महाराजा सवाई जयसिंह के दादाजी थे उन्होंने इसको बनवाया था यदि जयपुर के बारे में बात की जाए तो उसे महाराजा जवाई महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था चलिए जयगढ़ किला जयपुर में सवाई जयसिंह ने बनवाया है जोधपुर का किला जोधपुर में है राव जोधा के द्वारा बनवाया गया नाहरगढ़ किला जयपुर में है सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है महाराणा कुंबल के द्वारा यह बनवाया गया था आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु में सेंट जॉर्ज फोर्ट चेन्नई में है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनवाया गया है तेलंगाना में चार मीनार कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में और मक्का मस्जिद हैदराबाद में कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई है यह चार मस्जिद जो की है यह एक चार मीनार जो कि है भाई यह एक मस्जिद है ठीक है जिसे कि 1591 के समय में बनवाया गया था चलिए उत्तर प्रदेश की बात करेंगे अब हम लोग उत्तर प्रदेश में यदि राज्यों में बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो कि मॉन्यूमेंट्स हैं वह है आपके उत्तर प्रदेश में ही हैं ठीक है लिखिएगा जरा यहां पे आगरा का किला आगरा में है अकबर के द्वारा बनवाया गया था अकबर रुस्को मकबरा सिकंदरा बाद में है यहां पे अकबर के द्वारा बनवाया गया था आनंद भवन इलाहाबाद में है मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनवाया गया था आराम बाग आगरा में है बाबर के द्वारा बनवाया गया था बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है आसफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया था छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ में है मोहम्मद अली शाह के द्वारा बनवाया गया है दीवाने खास यह आपका आगरा का किले में बना हुआ है शाहजहां ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी आगरा में है अकबर के द्वारा बनवाया गया था एतमाद एत्मा, उद्दोला का मकबरा आगरा में है नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था ठीक है उसके बाद जामा मस्जिद जामा मस्जिद की बात करते हैं आगरा में है शाहजहां के द्वारा यह बनवाई गई थी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आ जाता है मोती मस्जिद आगरा में है शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी है ना कभी कभी जहां आरा का भी नाम आ जाता है जहां आरा याद रखिएगा दोनों का नाम लिखिएगा जहां आरा जो कि शाहजहां की बेटी थी इसका भी नाम आता है मोती मस्जिद के बनाने में सती बुर्जो की बात करते हैं मथुरा में है राजा भगवान दास के द्वारा बनवाया गया था शीश महल आगरा में है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था एक शीश महल पंजाब में भी है और एक शीश महल आमेर के फोर्ट में भी है जो कि राजस्थान में बना हुआ है जिसे कि मानसिंह ने बनवाया था ताजमहल आगरा में है शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल और शाहजहां का मकबरा यहाँ पर ही है पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है ना पश्चिम बंगाल में है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनवाया गया है बेलूर मठ कोलकाता में है स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनवाया गया है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनवाया गया है सो ये आज की हमारी शॉर्ट वीडियो थी जिसमें कि हम लोगों ने मोन्यूमेंट्स के ऊपर किया है कुछ मैंने आज करा दिए हैं कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में भी करेंगे बहुत ही जल्दी सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है सो लाइक कीजिएगा बाकी हम लोग मिलते हैं ग्यारा बजे ग्यारा बजे और अपनी वन की क्लास में हम लोग मिलेंगे ठीक है अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से पढ़ते रहिए अच्छे से पढ़ते रहिए और इसके साथ ही सुबह में जो कि छह बजे आपकी सुबह में जो कि आपकी छह बजे विवेक सर की करंट अफेयर की क्लास चलती है तो भाई इसे लेना मत भूलिएगा करंट अफेयर की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा जरूर करंट अफेयर की क्लास भी आपको लेनी है जिसमें कि विवेक सर बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाते हैं सो so चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी आप सजेशन कीजिएगा द नेक्स्ट वीडियो हम लोग किसके ऊपर बनाए सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत